Hey guys, welcome to another blog of Canadian Desi. और मैं अपने सारे व्यूअर्स को बोलना चाहता हूँ हैप्पी रक्षाबंधन. आज रक्षाबंधन है और हम भी सारे नहा धो कर तैयार हो चुके हैं और हम भी सेलिब्रेट करते हैं राखी. तो ठीक है, चलिए और जल्दी से राखी सेलिब्रेट करते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं. थैंक यू यूशी, राखी आ चुकी है और कल मेरी राखी आ गई थी दिन में और फिर हम शाम को बाहर चले गए थे लंदन. तो बताना भूल गया इस चक्कर में. तो फिर थैंक यू बट राखी आ चुकी है और राखी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी है. थैंक यू आयुषी. और हम राखी पहन के और राखी आयुषी राखी का गिफ्ट मेरे पास पेंडिंग है, आपको मिल जाएगा. ठीक है, चलो राखी पहनते हैं. चलो मम्मी आप ही पहना दो. बड़ा ही पीस कर एक बाइट. चलो तो अभी राखी बांध ली, राखी पहन ली है और बहुत अच्छी लग रही है. तो अभी हम नाश्ता करेंगे क्योंकि राखी पहने थैंक यू आयुषी. चलो तो राखी हमने बांध ली, अभी हमने चेंज कर लिया है तो अभी नाश्ता करने का टाइम है. तो चाय वाय बन रही है तो अभी हम नाश्ता करेंगे. तो अभी सुबह राखी बांध के हमने सबने थोड़ी रेस्ट करी और अमित अभी जॉब से आए हैं. तो हमने अभी विंटर आ रही है तो हमें थोड़ी सी ना अब सुबह शाम को जैसे ठंड होने लग गई है तो अभी विंटर की हम तैयारी कर रहे थे. तो जो हमारी लकड़ी थी वो जैसे हमने काट के फायर पिट में डाली है जलाने के लिए. तो मैं आपको दिखाती हूँ, अमित और पापा वो काट रहे हैं और मम्मी पेड़ों की थोड़ी कटाई कर रही है, उसको शेप दे रहे हैं. तो थोड़े घर के ही काम वाम कर रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ. ये हमारी फायर पिट है, ये हमने छोटी छोटी लकड़ी सारी काट के तो इसमें डाल दी और वो मम्मी पेड़ को शेप देने में लगी हुई है. मम्मी हेलो तो बोलो. हेलो. ये पूरा हमने भर दिया. हाँ, ये पूरा मम्मी ने राउंड में काट दिया, ये ना बड़ा हुआ था साइडों से तो ये काट के इसमें डाल दिया. और उधर अमित पापा को लकड़ी काटने वाला वो चलाना सिखा रहे हैं चेनसॉ, वो छोटी छोटी काट के तो वो कर रहे हैं, रख रहे हैं जलाने के लिए. ये हमने पूरा विंटर के लिए ये लकड़ी ला के रखी है छोटी छोटी करके जलाने के लिए. तो ये वैसे तो मतलब इतनी ज़्यादा विंटर में नहीं जलाते, जब थोड़ी अब सीज़न आ जाएगा जैसे अक्टूबर का, सितंबर अक्टूबर में जलाते हैं. तो फिर यहाँ पे हम जैसे बैठ जाते हैं, ये कुर्सियाँ रखी हुई है तो यहाँ पे बैठ के थोड़ा आग वाग सेकते हैं. हाँ अच्छा हो गया, ये अच्छा दिख रहा है. हाँ अब इसमें अच्छा दिख रहा है ना. वो ऊपर वाली दो पत्तियाँ वो अभी हाथ नहीं जाएगा ना हमारा. हाँ पर ठीक लग रहा है, अब चारों तरफ से गोल हो गया है ना. पर ये लाल पत्ते ज्यादा अच्छे लग रहे थे पर वो, हाँ मतलब ऊपर से अंदर नहीं आते, जो बाहर बाहर की डानियां आती हैं उसमें ही आते लाल. नहीं आएंगे ना अब. हाँ पापा ने सीख लिया चलाना. हाँ मम्मी वो सबसे ऊपर वाली एक रहती है बस. हाँ थोड़ा और ऊपर. हाँ ओए होए बिल्कुल परफेक्ट.
हाँ अब हो गया परफेक्ट। अभी तो बस सच में अच्छा लग रहा है, अब बिल्कुल राउंड में आ गया। तो है दे ये नहीं, ये स्ट्रांग है बहुत, मैं भी झूलती हूँ। पहले अमित बोल रहे थे इसको निकाल देते, मैंने कहा नहीं इसको नहीं निकालना, अच्छा है इसको पेंट कर देंगे और अच्छा लगेगा। ये सही है ना, इंडिया में ऐसे वो पार्क वगैरह में जाना पड़ता है, यहाँ पे अपना मजे से जैसे मर्जी बैठो, हाँ जैसे मर्जी जो मर्जी करो। कितनी अच्छी हवा चल रही है आज तो। ये अमित आज गाड़ी पता नहीं पीछे क्यों लेके आए, अब वहाँ पे वो जो इन्होंने लकड़ी काटी उसका बुरादा वगैरह जो निकल गया, वो मुझे लगता है वो वैक्यूम करेंगे। ये अभी ये जो बुरादा पूरा, वो बुरादा जो गिरा है वो करोगे ब्लो करोगे, वो उठाने लगे हो। हाँ उसमें वो थोड़ा, हाँ वो घास में गिर गया ना तो वो उठाया नहीं जाएगा, तो अभी वो ब्लोअर से, ब्लोअर वैसे तो ये जो हमारा ब्लोअर है वो सक भी कर लेता अंदर, बट उसको ब्लो कर दो तो साइडों में चला जाएगा, तो पाँव वगैरह में नहीं लगेगा जैसे पापा और मम्मी सुबह उठ के वॉक वगैरह करते हैं ना। और इधर मम्मी का योगा हो रहा है, अब मम्मी ने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। तो अभी मैं और मम्मी वॉक करने जा रहे हैं, यहाँ पे ना अभी तो 8 बज रहे हैं क्योंकि धूप बहुत लेट तक रहती है तो हमें वेट करनी पड़ती है, तो अभी 8 बज गए हैं तो अभी हम निकले हैं, क्योंकि नहीं तो धूप में तो बहुत गर्मी लगती है, यहाँ की धूप ना बहुत तीखी होती है। तो अभी थोड़ा वॉक करने जाएंगे और अमित और पापा तो जा रखे हैं साइकिल लेके, तो हमने सोचा कि हम वॉक करके आते हैं। अभी देखते हैं अगर वो हमें कहीं रास्ते में मिलेंगे तो। मम्मी आपको कनाडा में सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी? मुझे सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पर घूमना, सैर करो, बहुत अच्छा पीसफुल, बिल्कुल शांत और साफ सुथरी हवा, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इंडिया में पी पी रहता है ना हर जगह। हाँ इंडिया में तो जैसे हमारे पहाड़ों में होता है उसी तरह का यहाँ पे है, शांत हाँ वातावरण है और साफ हवा है, इसलिए बाहर शहरों में तो ऐसे मिलता नहीं, बिल्कुल पोल्यूशन बढ़ चुका है अब शहरों में, फिर रश ही रश। हाँ ये चीज तो अच्छी है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल साफ सुथरी और बिल्कुल साफ सुथरा ही है, ऐसे हमें अपने जब हम अपने पहाड़ों में जाते हैं तो ऐसी हवा और ऐसा शांत वहीं लगता है। हाँ पहाड़ों में तो ये लोग मिल गए यहाँ पे हमें पूरा चक्कर मार के यहाँ हम यहाँ तक ही पहुँचे हैं। तो जा रहे हो फिर आप लोग? हाँ। जाओ फिर हम आते हैं एक चक्कर मार के, हम एक चक्कर मार के आते हैं। चलो चलो ठीक है अच्छा जाओ बाय। इन्होंने तो खूब लंबा चक्कर मार दिया ना। हाँ वही तो, पूरा ऊपर से लेक की तरफ से। हाँ ये इसने मतलब गोरी, वैसे है गोरी का ये इंडिगो लॉन्च, तो इसने ये योगा वगैरह करवाती है, क्लासेस देती है योगा की, और साथ में वो भी है। हाँ इसने अपने, इसने जैसे हमारा यार्ड है ना फ्रंट यार्ड, तो इसका ये यार्ड है यहाँ पे, तो यहीं पे योगा करवाती है, ये योगा की क्लासेस देती है, और इसने छोटा सा वहाँ पे कैफे बना दिया, मतलब कॉफी वगैरह सैंडविच वगैरह देती है। हाँ ये सारी मम्मी, ये सारी इस साइड नई लोकेलिटी बनी है, ये सारे नए घर बने हैं, ये तीसरा घर जो है ना, तीसरा घर मेरी फ्रेंड का है यहाँ पे। हाँ तो हम तो फाइनली घर पहुंच चुके हैं, मैं और मम्मी, पर पापा और अमित तो अभी तक आए नहीं, वो मुझे लगता है आगे निकल गए चक्कर मारने के लिए। तो चलिए गाइस आज का ब्लॉग हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आज का दिन बहुत अच्छा रहा, हमने एंजॉय किया, घर के काम किए, फिर जॉब से आ गए थे, राखी थी, आपको अगेन सबको रक्षा, हैप्पी रक्षाबंधन, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू कैनेडियन देसी ब्लॉग्स फॉर न्यू अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू, हैव अ गुड नाइट।